वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज आपको बताऊंगा HTML सर्विस क्लास के बारे में। इसमें जितनी भी मेथड है एक एक करके हम सभी को डिस्कस करेंगे। पिछले हमने जितने भी वीडियो बनाया उसमें इसका उपयोग किया है, लेकिन हर मेथड का उपयोग नहीं किया है। आज मैं आपको हर मेथड का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या उपयोग है और कब किसका उपयोग करते हैं ये सब बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक फंक्शन बनाया है माई एग्जाम्पल वन, और इसमें मैंने हर बार की तरह एक HTML आउटपुट बनाया है जिसमें HTML सर्विस क्लास से क्रिएट HTML आउटपुट लिया। ये सबसे सिंपल और सबसे पहला है। इसमें आप जो भी HTML जनरेट करना चाहें वो स्ट्रिंग में यहाँ पर पास कर सकते हैं। इससे एक HTML का ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पर मिल जाता है। यह HTML का ऑब्जेक्ट हम साइड बार पर दे सकते हैं, हमने जो शो मॉडल डायलॉग देखा था उस पर दे सकते हैं, और जिस तरह से भी हम इसे दिखाना चाहें उस तरह से यूज़ करके इसे दिखा सकते हैं, जहाँ पर भी HTML लगता है। तो जब आप इस तरह से करेंगे तो ये जो H2 जो हेडिंग में हेलो लिखा हुआ है, इसे जब मैं यहाँ से एग्जांपल वन कर इसे रन करूँगा तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो साइड बार ओपन होगा और यहाँ पर हेलो डिस्प्ले होगा। तो जब आपके पास छोटा HTML हो, स्ट्रिंग में HTML हो, तो आप इस तरह से इसका उपयोग कर सकते हो। अब थोड़ा सा हम इसी को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल और बनाया माय एग्जांपल टू। यहाँ पर सेम क्रिएट HTML आउटपुट की बजाय मैंने क्या किया, क्रिएट HTML आउटपुट फ्रॉम फाइल, यानी कि अब मैं किसी फाइल से लेना चाहता हूँ यही HTML, तो मुझे क्या करना होता है, उस फाइल का नाम देना होता है, एक्सटेंशन नहीं देना होता। आप ध्यान रखिएगा क्योंकि HTML जब हम फाइल बनाते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट HTML फाइल ही बनती है, बाकी कोड पूरा सेम है, केवल हमने फ्रॉम फाइल किया और यहाँ पर फाइल का नाम दे दिया। फाइल हमने यहाँ पर प्लस करते हैं, प्लस करके HTML फाइल को यहाँ से बना लेते हैं। तो ये हमने जो नाम यहाँ एग्जांपल रखा था तो हमने example.html बना ली। तो इस एग्जांपल में भी मैंने कुछ नहीं किया है, केवल H1 में वेलकम लिख दिया है। अब आप इसमें बूटस्ट्रैप भी यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट भी कर सकते हैं, jQuery भी कर सकते हैं, CSS भी कर सकते हैं, मतलब HTML में जो जो यूज़ करते हैं वो सारा कोड आप यहाँ पर लिख सकते हैं। प्लेन होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए, वो सारा यहाँ लिख सकते हैं। डायनामिक लिखने का थोड़ा सा अंतर आता है तो वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो हमने इतना किया, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर सेकंड हमारे एग्जांपल को सिलेक्ट करते हैं और इसे रन कर देते हैं। अब आप जब रन करने के बाद यहाँ देखेंगे तो जो साइड बार था उसमें H1 हेडिंग में वेलकम आई है। तो दोनों में अंतर ये है कि अगर छोटा कोड हो तो आप इस तरह से लिखेंगे, यदि मुझे फाइल से यूज़ करना है तो आप इस तरह से लिखेंगे, बाकी इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब हम और आगे चलते हैं और थर्ड एग्जांपल देखते हैं। इसमें मैंने क्या किया हुआ है कि क्रिएट टेम्पलेट का यूज़ किया है। अब क्रिएट HTML और क्रिएट टेम्पलेट में थोड़ा सा अंतर यह है कि यहाँ पर भी HTML लिखते हैं, लेकिन HTML के साथ हम स्क्रिप्टलेट का उपयोग कर, या बोले स्क्रिप्टिंग टैग का उपयोग कर, यहाँ पर कोई भी स्क्रिप्टिंग लिख सकते हैं। ये स्क्रिप्टिंग आप बार बार कितनी ही बार इनको लगा कर या कुछ कंडीशन लगा रहे थे उस समय हम इक्वल टू को हटा देते हैं, या हमें रिटर्न करना था तो हमने इस तरह से लगाया। तो जो भी शो यूज़र फंक्शन होगा यह भी आपका एक इधर ही, देखो मैंने यहाँ पर ही एप्स स्क्रिप्ट में फंक्शन बनाया, तो इससे मैंने रिटर्न कर किया है यूज़र नेम। तो ये क्या हुआ, एक तरह से कम्युनिकेशन हो गया। ये क्लाइंट साइड जब आप डिस्प्ले करेगा उस समय सर्वर साइड पर आकर आपको इस तरह से शो यूज़र में जो होगा वो दिखा देगा। तो जब भी आप टेम्पलेट का यूज़ करते हैं, मतलब टेम्पलेट HTML, तो उस समय पर क्या होता है कि हमें इवेल्युएट करना होता है। तो इवेल्युएट क्या करता है कि इसे कोड को रीड करता है और इसमें इसकी वैल्यू को फिल करके हमें रिटर्न करता है। तो यहाँ पर जब देखेंगे आप, यहाँ पर शो यूज़र दिख रहा है, लेकिन जब इसे रन करेंगे तो आपको यूज़र का जो नाम यूज़र नेम है यह दिखेगा। तो मैं एग्जांपल 3 को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और जब हम रन करेंगे और हम हमारे उधर आकर देखेंगे तो यहाँ पर देखो हेलो के बाद यूज़र नेम प्रिंट हो गया। तो यूज़र नेम कहाँ से आया अगर इसे समझना हो तो वो क्या हुआ, स्क्रिप्टलेट में गया, टैग में गया और यहाँ से उसने शो यूज़र फंक्शन को कॉल करके रिटर्न किया। तो आप यहाँ जो भी कॉन्सेप्ट लिखे, कहीं से डेटा लाना हो, कुछ भी कर सकते हैं ना। मैं साइड बार में दिखा रहा हूँ, आप इसे जहाँ पर जो हम पिछला जो पढ़ चुके हैं उसमें कर सकते हैं। अब सेम इसी कॉन्सेप्ट को वापस से अगर फाइल से लाना हो तो आप, हमें कुछ भी नहीं करना है। जहाँ क्रिएट टेम्पलेट कर रहे थे तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम फाइल कर देंगे, और यहाँ पर एग्जांपल TM फाइल का नाम दे दिया, सेम डॉट इवेल्युएट करना ही है और सेम हो गया। तब जब इस फाइल को देखेंगे आप TM वाली, तो TM वाली फाइल बिल्कुल वैसी बनी। यहाँ पर मैंने इस तरह से स्क्रिप्टलेट का उपयोग कर या फंक्शन का यूज़ कर लिया। तो आप ऐसे भी कितना ही कोड इसमें आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद जो एक और है वो ये होता है कि गेट कंटेंट, ये भी कभी कभी यूज़ में आता है जब हम एक से ज़्यादा फाइल को जोड़ना चाहते हैं तब इसका उपयोग करते हैं। दोनों में अंतर ये है कि ये सारे HTML ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो रिटर्न होता है वो टेक्स्ट होता है, स्ट्रिंग होती है।
तो अब मैंने यहाँ क्या किया, क्रिएट HTML आउटपुट फ्रॉम फाइल, जो HTML वाला था वही सेम लिखा। यहाँ पर एग्जांपल AS करके एक HTML बनाया। यहाँ पर अगर मैं ये नहीं लिखता तो ये HTML रिटर्न करता, लेकिन मैंने यहाँ पर गेट कंटेंट लिख दिया तो इसमें जो भी लिखा होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब हमने क्या किया, एक फ़ाइल बनाई एग्जांपल AZTs करके, तो ये फाइल खोली। तो देखो इसमें कोई कोडिंग नहीं है, एक सिंपल स्ट्रिंग लिखा है, हेलो लिख दिया, हावरे लिख दिया, मैं जो चाहे यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो अब जब मैं एग्जांपल 5 को यहाँ से रन करूँगा और जब आप इसे रन करेंगे तो देखेंगे कि जो भी यहाँ पर डेटा था उसे मैंने अलर्ट में दिखाया हुआ है। तो देखिए अलर्ट में सिंपल स्ट्रिंग जो थी वो यहाँ पर आके डिस्प्ले हो गई। मैं बताना आपको उस समय भूल गया, यहाँ पर देखेंगे तो मैंने अलर्ट में दिखाया। अगर उधर दिखा था तो कोई मतलब नहीं था, वो सिंपल प्लेन जैसा था वैसा ही हो जाता। तो अब आपके पास इन सब का उपयोग कर आप किस तरह का भी डेटा हो, आपका टेम्पलेट डेटा हो जहाँ पर स्क्रिप्ट टैग का यूज़ हुआ हो, सिंपल HTML हो या फिर स्ट्रिंग हो, तीनों में से जिस तरह का भी डेटा हो HTML सर्विस में, इनका उपयोग कर आसानी से कैसा भी वर्क जो आप चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। ये जो HTML सर्विस है जो क्रिएट आउटपुट फ्रॉम फाइल हो या ये कुछ भी हो, इन्हें हम डू गेट और डू पोस्ट में भी ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि उस समय हम HTML में ही रिटर्न देते हैं। तो उस समय में रिटर्न भी आप इनके माध्यम से दे सकते हो, वर्किंग इनकी सेम ही होती है। तो आशा है मुझे आपको आज किस तरह से HTML सर्विस क्लास का उपयोग करते हैं, उसकी कितनी मेथड होती है, वह सब आपको समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी इशू हो, कोई भी डाउट हो, आप निसंकोच मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।